हटा लेना जन्नत को, डर लग रहा है। पेट फुल हो गया, क्या देख रहा है भाई तू? यू वांट ऊपर रुनो, यू वांट ऊपर, आजा आजा। वारे गुन्नू, लो जी डेली लाइफ स्टार्ट। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, मैंने व्लॉग एडिट किया था और मैं अपलोड करना भूल गया और मैं थोड़ी देर के लिए सो गया, एक पावर नैप लिया और उसके बाद मेरे को पता चला मैंने को 10 बजे अपलोड करना था। फक, गलती से मतलब मम्मी को एक बार फैक्ट्री लेके गया, आई मीन हमारी जो फैक्ट्री है वहाँ पे लेके गया, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया और जस्ट अपलोड अभी जस्ट अपलोड किया और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। तो वेलकम टू न्यू व्लॉग, मेरा नाम है हनी शर्मा, आप मुझे जानते हो तो ठीक है, नहीं तो स्मैश द सब्सक्राइब बटन, आप मुझे जान जाओगे। भाई घर हो रखा है पूरा मैस, बहुत ही दिख रहा है ना, हाँ बहुत ही गंदा। सो आज करनी पड़ेगी सफाई, बिकॉज मैं कर रहा हूँ 2-3 दिन में सफाई, और 2-3 दिन में इज लाइक जब से बाबूलाल आया ना, जब से दिमाग की दही हो चुकी है, हर जगह पॉटी सुसु, हर जगह पॉटी सुसु, बस यही रह गया। बस 2 साल पहले इसने इतना नहीं किया, एक हद तक किया था, लेकिन वो करी जा रहा है। तो बस सफाई करते हैं और फिर आज का प्लान बनाते हैं कुछ। बाबूलाल ये ले साला, डस्ट भी नहीं है कसम से। ए, ए, नहीं खाया वो, नहीं खाया मेरे हाथ चक्कर में, नहीं खा रहे हो खाली। हेलो, मोटी यहाँ से साइड से और ज्यादा मोटी लग रही है, नहीं पतली। मम्मी नेक्स्ट लेवल मोटी लग रही थी, वाइड एंगल में ना कॉर्नर का वो आ रहा था, जैसे इस साइड का आ रहा होगा ना मेरे, इस साइड का देखो हाथ मोटी हो रही है, मैं कह रहा हूँ हाथ मोटा आ रहा था। ब्रूनो भाई क्या हाल है? वो देख ब्रूनो भाई कहती है वो चला गया। थैंक यू बाबूलाल, इतना 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 अच्छा कैसे है तू? ऐसा मम्मी सही बता रहा हूँ, अपने गांव में चला लो गाड़ी सब सीख जाओगे, मैं तो गांव में चलानी सीखी है भाई अपने। किसंगी गली में छोड़ दे मम्मी को, आगे पीछे टेडी मेडी करके सारी आ जाएगी। कौन है बे चपड़ गंजू? तो घर वर साफ कर लिया, बढ़िया ठीक है, और जूनियर बोला है कि वो आ रहा है यहाँ पे, और मैंने उसको बोला कि आ जा देखो। हाँ भाई करवा रहा है क्या घर साफ? भाई साहब दोनों आके अंदर कमरे में बैठ के कह रहा घर साफ कर रहा है तू, घर साफ पागल है क्या? हम तो यहाँ से निकल रहे थे, सोचा तेरे यहाँ पे आ जाए पर तू घर साफ कर ले, और आड़ पीछे मैं साफ करता देख के अंदर आके बैठ गए दोनों। घर तो साफ पड़ रहा है, गंदा कर दिया साले ने, देख गोच गोच कर दिया अभी, देख देख सारे जो है ना। अरे भाई अपना घर ना साफ रखेगा, आडू पोछा लगाएगा भाई तू, अपना पोछा लगाएगा तू, यो बढ़िया तरीके से कर, बढ़िया भाई प्रकार हमने, और ये पोछा और यहां पोछा लग रहा है। लो भाई, हे गाइस, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। हे गाइस ये मेरी चप्पल है, यहाँ ये पोछा लगा रहा है, ये हमारी पाजी है, और हमारी पाड़ी हो रही है। इतना कितना एक छोटे से, मतलब हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, हमें तुम फेमस नहीं बना रहे, एक छोटे से ट्रेंड को तुम इतना खींच देते हो ना, पाड़ी हो रही है ये देखो, पाड़ी देख पाड़ी, और पाड़ी बना दो पाड़ी मूड, ये मेरा पाड़ी मूड है,
देख यहाँ देख गाइस, मेरे को पोछे लगाने दो। वाओ, सो ये है अपना कुछ स्टूडियो। पैसा ही पैसा हो रहा है, पैसा ही पैसा, साले पैसे यहाँ दे दियो। तो आज मैं आप सबको अपना घर भी दिखा देता हूँ, क्यों ना। मेरे पास कल है ना बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई अपना जो अभी तक आपने स्टूडियो बनाया मतलब, तो वो एक बार अच्छे से दिखा दो। उस टाइम तो अनफर्निश्ड था और साफ़ सफाई भी नहीं हुई थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें कर लिया, तो मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग में वो बता दूँ स्टार्ट से। सो फिलहाल देखो ये हमारा डीजे माहौल सा बन चुका है। देखो जोनी बाहर आके देख, सारा घर दिखा दूँ। देख यहाँ से डीजे माहौल है ना, सेक्सी लग रहा है ना। इस जगह बैठ के वीडियो बनानी है तो इस जगह देखिए। नाइस। सो यहाँ हमारी मम्मी सिलाई विलाई कर रही है। सारे जो कवर ववर बनाया ना, ये सारे मम्मी ने बनाया है। फिलहाल सफाई कर रहा था। हाँ मम्मी ने बनाया भाई ये। अच्छा, ये मैंने, ये वही वाला सोफ़ा है जो मैंने दिखाया था पहले, ये मैंने पेंट कर दिया खुद। और ये आ रहा है, बढ़िया हो गया अब मामला। अब बढ़िया लग रहा है ना, देख मैं इस साइड मत बैठियो बस, क्योंकि तेरे में वेट ज़्यादा हो रहा है। इस साइड से प्लाई टूट रही है, भगवान कसम टूट रही है। नीचे जाएगी सीधी देख यार, देखो अपन बना रहे हैं थोड़ा कम बजट में और अच्छा सा स्टूडियो। तो अच्छा सा स्टूडियो यार, इस टाइम लाइट कम आ रही होगी लेकिन फील तो तुम देख चुके हो। अब लाइट जला लेते हम भाई। देख यार कि सेक्सी आ रहा है, हमें लुक में चाहिए ना, हमें अपने शूट के हिसाब से चाहिए और अपने बजट के हिसाब से चाहिए। बजट अभी फिलहाल इतना ही था और बढ़िया लग रहा है बजट के हिसाब से। बजट ही तो सब कुछ तो लगा दिया। अबे इतने हैवी हैवी चीजें आती है भाई साहब। सोफा देखा, सोफा सेट 40,000-50,000 मैंने कहना चाहिए। ये देख ऐसा ऐसा सोफा कम बेड देखा था मैंने, अभी इस वगैरह लेके आया सोफा कम बेड, मेरे ख्याल से 25,000 रुपये समथिंग का है भाई। अपना सोफा कम बेड देख, मुश्किल से 500 रुपये में रेडी हो गया। 500 रुपये में पेंट आया, पेंट करके मस्त चकाचक बढ़िया हो गया। अभी आप पार्टी करेंगे, आज रात को पार्टी करनी है। आज रात को पार्टी, आज रात का व्लॉग मैं देखता सोच रहा हूँ कि कल मतलब ये वाला आज अभी डाल दूंगा, ये वाला व्लॉग बना के डाल कर लिया। यार पर देख यार, लुक देख, सेक्सी नहीं लग रही। देख यहाँ से देखियो, ऐसे माहौल तो दिखे बढ़िया है। वीडियो रील वील बनानी हो, बस एक बार एक कैमरा लेके आना है, DSLR जो भी है। हम्टी शर्मा, ओए गाइस मैंने आप सबको ये चीज़ नहीं दिखाई, ये मेरे को गिफ्ट मिला था। मैंने दिखाया भी था नहीं, ये नहीं दिखाया मैंने। ये इसको मैं स्टूडियो के यहाँ बैक साइड में लगाऊंगा, अभी फिलहाल बोल नहीं हुई ना। बढ़िया लगेगा ना, पूरा अंधेरा करके एक नंबर की लाती है। अभी तो दिख नहीं रहा, पूरा लाल कर देता हूँ सब पूरा घर के अंधेरे वाली फील दिखा रहा है क्या तू? सोच रहा है फील ला, मैंने तेरे तक कुछ और भी कही थी। क्या चीज़ कही थी मैंने? अच्छा इसके बारे में बात करनी, पता करना। पता कर लूँ भाई ये कितने का बना था। तो मुझे पता नहीं है ना कितने का बना है भाई, मैं पूछ के बता दूँ कितने का बना है। तो मैं आप सबको दिखा देता हूँ, पहले तो ये सोफ़ा, ये सोफ़ा आपने देख लिया है, ये मैंने पेंट कर दिया है, वो भी स्प्रे वाले पेंट। हाँ भाई मार कर ये रहा पीछे ऊपर, इसके ऊपर यहाँ मैंने अपनी मतलब ये जन माई लेके आया था, पहले मैंने लगा रखी थी वहाँ पे, लेकिन ये लगा दिए यहाँ। और यहाँ मैं अपनी स्क्रिप्टिंग वगैरह सब चीज़ करेंगे। तो ये वाइट बोर्ड लेके आया मैं स्पेशली इस वजह से, ये कॉर्नर रैक में लेके आया था बंजारा मार्केट से, और ये सारे सामान मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने ये ऐसे सजा दिए। फिलहाल इसके ऊपर लड़ी वड़ी लगा के, क्योंकि यहाँ जब कैमरा लगेगा ना ऐसे तो बड़ा सही सा फील देगा। ये मतलब जमा नहीं है लेकिन ऐसा ही यहाँ लगा रखा था, मतलब वर्टिकल करके। सो बढ़िया लग रहा था। ये है अपना रूम, दिखा देता हूँ पहले आपको। ये इसका फ्रंट साइड, ये है इसका बैक साइड। सो ऐसा कुछ व्यू देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल थोड़ा बहुत मैस है वैसे तो ठीक है, ज़्यादा कुछ सामान रखा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बढ़िया लग रहा है ना, मुझे कमेंट करके बताना। ये मैंने खुद मतलब पेंट करके और ये खुद टांग दी है, सिंपल एंड सोबर बढ़िया। और ये है अपना दूसरा रूम, ये मैंने उस टाइम ऐसा दिखाया था। फिलहाल इसमें लाइट वाइट ऐसे ब्लू अपनी जो शूटिंग वाली लाइट होती है लगा रखी है। फिलहाल
इस वाले रूम में ज़्यादा अपना सीन नहीं था, तो इस वजह से मैंने इस रूम को ज़्यादा अच्छे से किया नहीं है, बनाया नहीं। वैसे वॉल पीछे ऐसे बनी हुई है तो इस पर कुछ ज़रूरत भी नहीं है करने के लिए। यहाँ पर बस डबल बेड लगेगा जो कि मैं नीचे से उठा के ऊपर लेके आऊँगा, आई मीन मैं उठवाऊँगा नीचे से ऊपर, तो फिर इस रूम को रेडी कर देंगे। बाकी ये मैं ले आया हूँ, ये ब्लू कलर के, ये पूरे ब्लू कलर के लेके आया हूँ। एक मिनट दिखा देता हूँ एक बार। देख रहे आया, ये ऐसे ब्लू कलर के पूरे में, क्योंकि ब्लू वॉल है तो ब्लू के साथ में ब्लू एंड वाइट पूरा कॉम्बिनेशन सा बना के रखा है। और दूसरा कमेंट कर बता के लिख रहा है, ये मैं ऑरेंज लेके आया था, और ऑरेंज कैसे लगेंगे मैं दिखा देता हूँ। बढ़िया बढ़िया लग रहा है, मतलब फील में तो मस्ती आ रही है मेरे को तो। ये देखो पूरा ऑरेंज रूम हो गया। कमेंट करके जरूर बताना भाई, कमेंट बाहर से देखो ऐसा लगेगा बाहर से कुछ। ये देखो क्या बना दिया अरुण में। अरुण कौन है? अरुण नहीं यार, अरुण है क्या नीचे भाई? तुमने लिखा थोड़े ना हुआ है, ये का दनान से लिख रहा है पदनान आडू। अच्छा आडू है क्या? ओवरऑल व्यू यही है, ये पुराना सोफा मैंने दिखाया था, इसको मैंने पेंट करके मस्त येलो पेंट करके बढ़िया सा बना दिया। अभी फिलहाल इस पे सामान रखा है, इस पे ब्लू कलर के, ये मैं ब्लू कलर के करूँगा, आई मीन करूँगा क्या, मम्मी बनाएंगी है, लेके आना मेरे को ब्लू कलर का कपड़ा। बस ये ऐसे ही रख दिया, ऐसे व्यू बढ़िया आ रहा है। और एक है ये वाले पर्दे, ये इस वॉल के कलर से मैच करते हुए लेके आया था। बस यही है छोटा सा स्टूडियो अपना। अब फिलहाल कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी मम्मियाँ मस्त बाहर धूप में बैठती हैं। ये देखो यार, ये अच्छा ब्रूनो ब्रूनो सेट वेडिंग तफाई वफाई करवानी दिखती है तेरे को? डांस करो क्या? देखो इधर देखो, अरे डांस दिखा बेटा। ओ मेरी सासू की दिखा दे नाच, दिखा नाच। बस बस बाबू डांस करो ना। ये मम्मी नाचो, हटा लेना जो नाच के डर लग रहा है। देखो मैं लेके आया, मतलब मैंने ये किया था स्क्रिप्टिंग के लिए, ये बना रहे हैं मस्त स्कॉर्पियो देख। ओ या फिर अच्छा है या फिर ठीक है करेक्ट। ये बता कौन है यार? मेरा ही बना रहा होगा कुछ। बड़े बड़े बाल देख के मुझे दिख गया पुराने वाला, पर नीचे था ऐसा तो जब पतला सा। इंस्टाग्राम पे फॉलो किया मेरे को? देखो यहाँ पे आएगा। नहीं नहीं गाइस, यहाँ पे हाँ ये देखो, ये 02 हनी शर्मा 02 यहाँ आप ही रहोगा, ठीक है फॉलो कर लो। सो मेरे को प्लीज कमेंट में जाके जरूर बताना कि आपको ये घर कैसा लग रहा है। बाकी जब अच्छे से अब आई मीन अच्छे से अब क्या ही होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें होंगी, वो सारी चीजें मैं लगा के जब अच्छे से फिर कब दिखाएंगे। चलो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा। फॉर व्हाटएवर रीजन लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना जो नए जुड़ रहे हैं अपने साथ। बाकी मेरे ब्रूनो के बारे में देखो कैसे लिख रहे हैं, साले देसी पिटबुल है या देसी पिटबुल। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल।